आज मैं बना रही हूँ मसाले वाली खिचड़ी। उसके लिए मैंने लिए ये 1 कप चावल लिए हैं और उसमें ये मूंग धुली दाल ली हुई है, जो येलो दाल होती है मूंग धुली वो ली हुई है मैंने। उसमें मुझे चाहिए ये जीरा और करौंजी, 2 चम्मच बेसन के, नमक हल्दी धनिया और 2 टमाटर छोटे कटे हुए, और ये गोभी है थोड़ी गोभी डालूंगी और थोड़े एक दो आलू है। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ मसाले वाली खिचड़ी। सबसे पहले मैं डालूंगी ये, मैंने जीरा और कलौंजी दोनों कट्टी करके रखी है, पहले मैं इनको डालूंगी। मैंने कुकर रख दिया था पहले ही गैस पे, तेल गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले मैं ये डालूंगी, इसमें जीरा और कलौंजी डाल दी मैंने इसमें। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन के, ये 2 चम्मच बेसन के, ये एक, और ये 2 चम्मच बेसन के मैंने इसमें डाल दिए। ये देखिए मैं इस हल्का हल्का सा बेसन को भूनूंगी, आप देख रहे हैं ऐसे हल्का सा भूनूंगी इसको। भून जाएगा तो मैं बाकी के मसाले इसमें डाल दूंगी। जैसे इसका थोड़ा हल्का लाल कलर आ जाएगा तो मैं इसमें बाकी मसाले डाल दूंगी। आपको अभी मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा पक गया है, इसमें सब 2 चम्मच ही डाले। ये बहुत टेस्टी बनती है ये वाली खिचड़ी, ये कुछ अलग ही टाइप की खिचड़ी है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कैसे भून रही है, देखिए इसको लाल करना नहीं तो इसके कच्चेपन की जो बेसन की जो स्मेल आती है वो थोड़ी हट जाएगी अगर हम ठीक से लाल नहीं करते तो। अब मैं देखिए, आप देख सकते हैं लाल होता जा रहा है, आप देखिए इसको। जब तक ये लाल नहीं होता मैं इसको भूनती रहूंगी। खुशबू आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब ये पक गया है और लाल भी हो गया है। मैं आपको बीच बीच में दिखा रही हूँ, ये आप देखिए लाल हो गया ये पैसे लाल हो गया। मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, मैंने इसमें 2 टमाटर डाल दिए। अब गैस को धीमी करके अब मैं बारी बारी इसमें मसाले डालती जाऊंगी। मैं इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लूंगी, 1/2 चम्मच मैं इसमें हल्दी ले लूंगी, और मैं इसमें ये बड़ा हुआ चम्मच, 1 चम्मच मैं इसमें नमक का डालूंगी। अब मैं इन सबको पहले मिक्स कर दूंगी अच्छे से, मैं इनको पहले भून लूंगी और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी हल्का सा। ये मैंने पानी डाल दिया और मैंने ऐड कर ली इसमें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है ये, इस तरह से होगा ये। अब मैं इसमें डालूंगी ये गोभी आलू की सब्जी, ये सब्जी नहीं ये कच्चे गोभी आलू हैं जो मैंने काट के रखे हुए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये मैंने गोभी आलू डाल दिए, थोड़ा इनको भी थोड़ा हल्के से मैं भून लूंगी। आप देखिए मैंने हल्के से इनको भून लिया, थोड़ी देर बाद इनको भून के उसके बाद मैं इसमें अपनी ये खिचड़ी जो बनाई है, दाल चावल जो भिगो के रखे थे, मैं इसमें डालूंगी। देखिए मैंने डाल दिया इसमें जो खिचड़ी मैंने भिगो के रखी हुई थी। अब मैं देखती हूँ इसमें कितने पानी की जरूरत है, मैं उतना डाल दूंगी। मैं चेक कर लेती हूँ, ये आप देखिए अब मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल दूंगी।
ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालूंगी। और मैं इसमें बस एक ही विसिल लगाऊंगी, एक विसिल में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी खिचड़ी। ये मैंने डाल दिया पानी, अब देखिए, अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। ढक्कन लगा के सब इसमें एक विसिल लगवाऊंगी। ये मैंने इसमें एक विसिल लगवा दी, अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। एक मिनट जो, अभी मैं खोल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, अब मैं इसको प्लेट में डालूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। एक बार ऐसी खिचड़ी ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी टेस्टी। एक बार ट्राई करिए आप इसे।